आप देख रहे हैं अपना समाचार। हाँ, ये तो सरप्राइज है क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ा गाना ट्राई करा जाए और मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, तो ये गाना मेरे मैं बोल सकती हूँ मैंने गले से कम दिल से ज़्यादा गाया है और दूल्हा नंबर वन बन के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। दो दो हीरो के साथ रोमांस भी करने का मौका मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा नोक झोंक सब कुछ है, मस्ती मजाक, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे ये फिल्म करके दूल्हा नंबर वन बन के। जैसे दो हीरो हैं, किसी का रोमांस है किसी का झगड़ा है। हाँ, रोमांस तो ऑब्वियस सी बात है, किसी एक के साथ रोमांस और एक के साथ झगड़ा है तो है, वैसे इनके साथ रोमांस है। तो एक तरफ मनोज आर पांडे जी, एक तरफ निसार खान जी। हाँ, तो किसकी तरफ आपका ज्यादा प्यार उमड़ रहा है? ज्यादा प्यार मेरा निसार खान जी की तरफ है और मनोज आर पांडे जी के साथ ज्यादा झगड़ा है। अब इससे ज्यादा स्टोरी आप मत जानिए, लेकिन अब किसको दुल्हन मिलेगी बस यही सस्पेंस है। निसार जी आप क्या कहते हैं, खूबसूरत दुल्हन मिली और दुल्हन नंबर वन? हाँ, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके, और जिस तरीके का फिल्म का जो टाइटल है दुल्हन नंबर वन, उसी तरीके का फिल्म का स्टोरी भी है और हमारी दुल्हन आपको सामने दिख भी रही है साथ। फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है और जो ट्विस्ट है वो आपको देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर इंटरव्यू में हमने आपको ट्विस्ट बता दिया तो फिल्म का मसाला जो है वो खराब हो जाएगा। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, लड़ाई किसी और से, स्टोरी बता रहे हो किसी और से, नहीं स्टोरी थोड़ी बता रहा हूँ। वो जो भी चीजें हैं वो आपको हमारे डायरेक्टर ही बताएंगे। डायरेक्टर हमारे लेफ्ट साइड में है, कन्हैया जी। जिसे दो हीरो आप हैं, मनोज पांडे जी हैं, तो टसन ज्यादा आप और दोनों में किस चीज़? इसमें कोई टसन नहीं है, नहीं, हम सब अच्छे दोस्त हैं, कोई टसन जैसी तो कोई बात ही नहीं। ऑन स्क्रीन भी हम दोस्त हैं, तो कोई हम सब कॉलेज में पढ़ने वाले, हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कोई टसन जैसी तो बात ही नहीं है। टशन यही है कि आपको फिल्म देखना पड़ेगा तभी। हाँ, तभी आपको ये टशन इश्क दिखेगा। सर, अभी आपने गाना किया, बहुत बड़ा गाना था, जो आपने जो पिक्चराइज किया, क्या कहना चाहें इसमें, कितना टशन दिखाया, कितना प्यार मोहब्बत? नहीं, ये गाना तो ऐसे भक्ति गाना था, मतलब टशन वाला गाना नहीं, मतलब टशन इनके परफॉर्मेंस में था, सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया इस गाने में और मुझे ये गाना करके बहुत खुशी हुई। और ख़ासतौर पे ये गाना जब मैंने सुना तो जो फीमेल वॉइस थी वो मुझे, मतलब सुन के ऐसा लगा कि मैं सोचा कि इन्होंने गाया है, बट मैं मुझे भरोसा नहीं होता क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गाया है उस गाने को, उस लाइंस को, और वो श्लोक्स जो प्रॉपर इन्होंने क्लियर बोला है ना, वो बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है कि गाना बहुत अच्छा शूट हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट भी इसका आएगा। और सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, कड़ी धूप में सब लोगों ने, आर्टिस्टों ने, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया। जो सिंगिंग की वॉइस थी, फीमेल वॉइस, आपको कैसा लगा, हिंदी या भोजपुरी क्या लग रहा था, कितना लगा? नहीं, जिस फ्लेवर का ये गाना था ना, श्लोक्स और वो सब चीज़ें ऐड थी इसमें, तो एक अलग फ्लेवर का भक्ति गाना, भक्ति गाने बहुत सारे बने, बट ये जो भक्ति गाना आज का जो बना था ना शंकर भगवान के ऊपर, वो एक अलग फ्लेवर है इसमें मिलेगा आप लोगों को देखने में। तो प्लीज़ इस गाने को ज़रूर देखिएगा, इसके पिक्चराइजेशन को और इस गाने को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये शिव भक्तों पे नहीं, ये मुझे लगता है कि ये मल्टी टैलेंटेड, मतलब मल्टी टास्किंग ये गाना बना है और हर जगह ये बजेगा, चाहे वो भक्ति कहीं कोई जागरण हो या कुछ कहीं डिस्को हो या कुछ हो, जहाँ किसी को झूमने का मन होगा ना तो ये गाना ज़रूर बजेगा। दुल्हन नंबर तो नंबर वन है ही और कंटिन्यू हम लोग साथ में फिल्में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पूरी टीम के साथ काम करके। इस गाने में डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कितना आपको छूट दिया था? नहीं, मुझे जब गाना स्टार्ट हुआ था उस समय मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब ने पूरा अपने मुझे फ्री कर दिया था कि आप अपने हिसाब से इसको शूट करो, कोई बर्डन मत लीजिएगा, किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिएगा, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप इसको फ्री होकर शूट कीजिए। तो आज हम लोगों ने किया फ्री होकर शूट, अच्छा शूट हुआ। नहीं, अच्छी चीज के लिए थोड़ा खर्चा है, ऑब्वियसली खर्चा कर रहा है, इतना बड़ा कॉलेज का कैंपस लिया, भोलेनाथ आए इतने बड़े, और मतलब हम लोगों ने, मुझे नहीं लगता कोई कमी छोड़ी होगी, और अच्छे से धूप में हम लोग काले होके नाचे हैं, भक्ति में नाचे हैं, ट्रांस म्यूजिक में हम लोगों ने एकदम धूम मचाई है, एकदम कड़ी दोपहरी धूप थी तो। हाँ, धूप तो अब सूरज भगवान भी प्रसन्न हो गए थे भोलेनाथ का गाना सुन करके, तो हम लोग एकदम झूम रहे थे, आज तो लगा नहीं क्योंकि वैसे आज का जो लखनऊ का मौसम था वो खराब था कि आज मौसम खराब होगा, मगर भोलेनाथ का गाना था तो मौसम भी खुल गया, अब पूरा गाना, हवाएं चल रही थी कड़ी धूप में भी, हमारा पूरा गाना अच्छे से कम्प्लीट हो गया। डायरेक्टर साहब आप क्या? सर नमस्कार, मैं मतलब कहना तो क्या है, मैं ऐसा स्टील बॉडी डायरेक्टर हूँ, सबको लेके चल रहा हूँ,
और प्रोड्यूसर साहब तुम ना डॉक्टर, मैंने जो चीज़ मांगा, सबसे बड़ी बात मैं बोलना नहीं चाहिए, मैंने जो चीज़ बोला, पहले तो बोलेंगे नहीं है, है? सर दे दीजिए ना, जाओ भाई करो, जाओ अपनी मर्जी से करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन सच बोल रहा हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा में मेरी फिल्म नो डाउट, मेरी इंडिपेंडेंट, इसके पहले चिंगारी किया, दुल्हन नंबर वन, मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत फिल्म। और एक और बात बताऊँ, भोलेनाथ का आज गाना किया और एक महीना पहले मैं भोलेनाथ का सबसे मतलब भक्त बना, और ऐसा भक्त बना कि अब आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, कि सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझसे जो कुरीतियाँ थी, जिसको बोलेंगे बुराइयाँ, धीरे धीरे दूर हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे ऊपर तलवार लटकी है ना, वो लटकी ही रहे, मैं जाना नहीं चाहता, ये तलवार हटाना नहीं चाहता, भले कुछ भी मस्ती करता हूँ, रियल बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं चैनल के सामने बोल रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि चीज़ें वो हो रहा ना कि काम अच्छा हो रहा है, कटने तैयार हो रहा है, कटने के लिए रेडी है, बट तलवार जो कसाई जो हो रही है, ये जो तलवार के बारे में कुछ बताएंगे आप, आपके ऊपर कौन सी तलवार लटकी हुई है? देखिए चिंगारी लेके आया था, चिंगारी में तो तलवार था, ये दुल्हन नंबर वन बनने के बाद और बड़ा तलवार हो गया, आप समझ सकते हैं कि कौन होगा, आप ही बताइए कौन होगा। विवेक कुमार सर, विवेक सर नहीं, हमारी आकांक्षा मैडम, वो है तलवार, मतलब हीरोइनी तलवार बन गई। हाँ मेरे लिए तो, और लेकिन वो तलवार ऐसा लग रहा है कि मतलब मिठाई लग रहा है, रियली बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी होता है, दो मिनट मीठी तलवार तो काटते रहेगी, और सोनू भाई के बारे में बोलूंगा, मतलब हम लोग तो ऐसे हैं कि मेरे जो भी रहेगा हम लोग इशारों में बात कर लेते कि भाई हमको क्या चाहिए या क्या नहीं है, और मैं मस्त रहता हूँ, ये रहते तो एकदम मस्त रहता हूँ सेट पे। दादा आए तो कानू दादा आ नहीं पाए, लेकिन आशीर्वाद उन्होंने दिया। एक्चुअली ये सारा प्लान सर मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ, ये सारा प्लान हमारे महागुरु, बड़े गुरु, बड़े भाई प्रोड्यूसर विवेक कुमार जी का प्लान था, और जब मैंने सुना तो मुझे और अच्छा लगा। मैडम गाना गाई वहाँ पे, मधुकर जी थे, राकेश जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, तो गाना ऐसा बन गया कि कुछ चीज़ें थी कि हम कुछ करेंगे, लेकिन गाना आने के बाद हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, मस्त है गाना, सुपर, मेरे लिए तो सुपर गाना है। और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म की ओपनिंग उसी गाने से भोलेनाथ, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो मैम ये आपने पहले सीखा था, पहली बार आपने सिंगिंग किया है? नहीं, मैं विशारद पास आउट हूँ, लेकिन मैंने 2007 से सिंगिंग छोड़ दी थी, बिकॉज मैं अस्थमेटिक हूँ, और मुंबई आने के बाद तो फिर एक्टिंग में करियर स्टार्ट हो गया, तो कभी की नहीं। 2007 के बाद 2023 में मैंने फर्स्ट टाइम गाना गाया, मतलब बीच में तो मैंने टोटली सब ड्रॉप कर दिया था, तो हो गया बस। तो आपके जैसे कहते दबंग गर्ल, दबंग लेडीज आपको कहा जाता है, गाने में दबंग गई, एक्टिंग में भी दबंग गई, ये दबंग तो ठीक है, मैं ऑल काइंड ऑफ दबंग गर्ल, दबंग सिंगर, दबंग एक्टर, दबंग सब, दबंग टाइटल ही मैं कॉपीराइट लिखाने वाली हूँ सलमान खान के बाद, इसीलिए दबंग बहुरिया भी बन के आ रही है, दबंग बहुरिया भी बन के आ रही है, दुल्हन नंबर वन भी बन के आ रही है, चिंगारी भी आ रही है, बहुत सारे और है, अम्बा भी बन के आ रही है। नहीं करेंगे अभी, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नंबर वन ही है, नंबर वन, वो भी नंबर वन ही है टाइटल हमारे पास, और रिवील नहीं करेंगे, लेकिन नंबर वन लास्ट में है वो। बस मैं ये कहूंगी दर्शकों से, अपना प्यार देते रहिए, आपका प्यार दुलार मिलेगा, तभी जो हम कर रहे हैं तभी वो सब चीजें सार्थक होंगी, तो ढेर सारा सब प्यार देते रहिए, हम सब एक्टर लोगों को, मास्टर जी को, हमारे डायरेक्टर को, हमारी पिक्चरों को, हम कंटेंट बेस्ड पिक्चरें बना रहे हैं, एक बार थिएटर में जाके जरूर देखिएगा। कन्हैया जी की डायरेक्शन में कौन कौन फिल्में आ रहे हैं लेके आप? चिंगारी कन्हैया जी की फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें है, वो मूवी आ रही है चिंगारी, और दुल्हन नंबर वन सेकेंड है, और आगे भी कई पिक्चरें आने वाली हैं।